नमस्कार। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उसका हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट जो है उसका हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है। और तीसरे वीडियो लेक्चर हमारा आज का टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक इक्वेशन, अणुगति समीकरण की व्युत्पत्ति। अब हम अणुगति समीकरण यानी काइनेटिक इक्वेशन की बात करें। यदि हम बात करते हैं कि यह समीकरण जो होती है किसी गैस के, किस किस की बात हो रही, यह समीकरण जो होती है किसी गैस के प्रेशर यानी कि उसके दाब, उसके वॉल्यूम यानी उसके आयतन तथा उसके अणुभार यानी उसके मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट भी कह सकते हैं और अणुओं की संख्या यानी नंबर ऑफ एटम, अणुओं की संख्या नंबर ऑफ एटम और अणुओं के मध्यमान गति, इसकी बात हो रही है अणुओं की मध्यमान गति यानी कि आरएमएस वेलोसिटी। तो हम क्या कह रहे हैं, हम इसमें पढ़ रहे हैं कि ये जो इक्वेशन होती है किसी गैस के प्रेशर, उसके वॉल्यूम, उसके मॉलिक्यूलर मास, नंबर्स ऑफ एटम और आरएमएस वेलोसिटी यानी कि अणुओं के मध्यमान गति के परस्पर रिलेशन यानी संबंध को बताती है। यानी क्या बताती है ये इक्वेशन, तो काइनेटिक इक्वेशन इट इज रिलेशन बिटवीन, किसके बारे में बात कर रहा हूं, तो इट इज रिलेशन बिटवीन प्रेशर ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, नंबर ऑफ एटम एंड आरएमएस वेलोसिटी। तो यह समीकरण किसी गैस के दाब, आयतन, अणुभार, अणुओं की संख्या और अणुओं के मध्यमान गति के परस्पर संबंध को प्रकट करती है। बात करते हैं आगे इसके, हम यहाँ पर बात करें कि हमने एक क्यूबिक एपरेटस लिया, हमने घनाकार बर्तन ले लिया। क्या लिया, एक क्यूबिक एपरेटस आपको दिखाई दे रहा हो, हमने घनाकार बर्तन लिया यानी एक क्यूबिक एपरेटस ले लिया। अभी जो क्यूबिक एपरेटस है तो इसके बारे में हम बात करते हैं। हम इसको कहते हैं कि इसमें तीन एक्सिस है, हमने कहा एक एक्सिस हो गई हमारी एक्स, दूसरी हो गई हमारी वाई और तीसरी हमारी जेड एक्सिस। इसके अंदर दो फेस हमने मान लिए, एक फेस यानी फलक ए और फलक बी। इन फेस ए और बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली एयर सेंटीमीटर। क्लियर है। अब बात करते हैं इसके अंदर कोलिजन की। जब ये मॉलिक्यूल ए सरफेस पर जाता है तो इसकी वेलोसिटी के अंदर पर इसका जो मोमेंटम हमने एम यू मान लिया, और जब ये वापस ए से लौट कर बी की तरफ आता है तो इसको हमने माइनस एम यू मान लिया। जब जाता है तो प्लस एमयू और वापस आया तो माइनस एमयू हो जाता है। क्लियर यहां तक। अब बात करते हैं हम इसके बारे में, तो हम क्या करें, घनाकार बर्तन की प्रत्येक भुजा की लंबाई, अब हम इसके डेरिवेशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं घनाकार बर्तन के प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो हम क्या बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ क्यूबिक एपरेटस, किसकी बात कर रहा हूं मैं, क्यूबिक एपरेटस की बात कर रहा हूं। क्लियर है। तो बात यहां पर क्या हो जाएगी, क्यूबिक एपरेटस की बात हो जाएगी। क्लियर है। तो क्यूबिक एपरेटस क्या लेंथ हो गई इसकी, तो हमने कहा यहां पर क्या मान लिया हम लोगों ने, एल सेंटीमीटर, तो हम लोगों ने यहां पर क्या लिख दी, एल सेंटीमीटर। आगे चलते हैं अणुओं की कुल संख्या, सेकंड कंडीशन, आप मेरे साथ में इसको लिखते चले, अणुओं की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। आगे गैस के प्रत्येक अणु का द्रव्यमान, गैस के प्रत्येक अणु का द्रव्यमान हम लिखेंगे मास ऑफ
गैस एटम, क्लियर है? तो क्या हो गया हमारा मास, क्या हो गया इसका, तो मास हमने मान लिया एम ग्राम, क्लियर है? अब बात करेंगे अणुओं का वर्क माध्यम वेग, तो लास्ट स्टेज में अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग, यानी कि आरएमएस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यू। क्लियर, ये क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास इसके अंदर क्या क्या आ गया, तो हमने कहा कि लेंथ ऑफ ए और बी एल सेंटीमीटर, नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए यहां पर, तो हमने मान लिया ए। अब उसका मास कितना है, एटम का मास हो गया एम, और आरएमएस वेलोसिटी कितनी है, तो आरएमएस वेलोसिटी को हमने मान लिया यू। क्लियर है, आगे चलते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है? चलो आगे चलते हैं, बनोगा हम अब इसके आगे चलते हैं और इस डेरिवेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। चलो आगे बात करते हैं, हम ये कह रहे हैं कि गैस का जो प्रेशर है, गैस का जो दाब है, वो सभी दिशाओं में बराबर होता है। गैस जो प्रेशर लगा रही है वो सभी दिशाओं में लगा रही है। अब यहाँ कितने डायरेक्शन है, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर तीन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, यानी तीनों डायरेक्शन में गैस का जो प्रेशर होगा वो इक्वली लगेगा, यानी कि बराबर लगता है। जब गैस का प्रेशर बराबर लगेगा तो क्या हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में जितने भी अणु होते हैं, अणु कितने हैं यानी मॉलिक्यूल्स कितने, तो हमने कहा नंबर्स ऑफ एटम हमने एन माने, तो जो एन एटम होता है उसका दो फेस के बीच में वो कितने डिस्टेंस तय कर रहा है, वो कितना आगे पीछे चलता है, तो वो हम कह रहे हैं ए और बी के बीच में जब वो चलेगा तो हमको क्या हो जाएगा एन बाय थ्री। तो नंबर ऑफ एटम क्या हो गया एन, डायरेक्शन कितनी है थ्री, तो हमने इसको क्या लिख दिया एन बाय थ्री लिख दिया। अब खास बात ध्यान रखना, इसमें जितनी भी कोलिजन हो रहा है, जितनी भी टक्करें हो रही है, प्रत्यास्थ हो जाए, तो हम क्या ले सकते हैं, अब बात करते हैं यहां पर इसके आगे डेरिवेशन। जब हम कह रहे हैं कि कंप्लीटली क्या होगा, उसका कोलिजन इलास्टिक हो जाए, तो अब मैं बात करता हूं, मैं लिख रहा हूं दीवार ए पर टकराने से पूर्व समय, ठीक है, तो दीवार ए पर टक्कर मारने से पूर्व समय, दीवार ए पर टक्कर मारने से पूर्व संवेग, तो हम क्या लिखेंगे, बात क्या हुई, कोलिजन बिफोर, ठीक है, कोलिजन बिफोर क्यूब फेस, ठीक है, ठीक है, कोलिजन बिफोर क्यूब फेस, कोलिजन से पहले क्या होगा, सॉरी 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 इसको लिखेंगे हम मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या हो गया एम यू। क्लियर, अब टकराने के बाद में हम लिखेंगे टकराने के बाद में संवेग, हम लिखेंगे मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद में मोमेंटम कितना हो गया, तो हम क्या लिख देंगे माइनस ए, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, प्रत्येक टक्कर में संवेग, ठीक है, तो कोलिजन सॉरी मोमेंटम इन ईच कोलिजन, मोमेंटम ऑफ ईच कोलिजन कितना हो गया, तो दोनों, तो हम इसको लिखेंगे इक्वल टू माइनस ए यू
क्लियर, क्या हो गया माइनस एम यू माइनस माइनस एम यू इक्वल टू क्या हो जाएगा टू एम यू, ठीक है ना। अब देखो आगे बात करते हैं, यहां तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम कह रहे हैं कि दो फेजे दो फलक है, दो फलकों के बीच की दूरी कितनी है एल सेंटीमीटर, इसलिए अणु को फलक ए पर वापस टकराने यानी फेज ए पर वापस टकराने के लिए कितनी दूरी तय करना पड़ेगी। तो मैंने कहा ये जो मॉलिक्यूल यहां से यहां टकराया फिर वापस आया, तो जब एक बार गया और एक बार आया तो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो हम यहां पर कहेंगे 2L सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, नोट करिए इसको, चलो आगे आएगा इसमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए तो क्या आ जाएगा 2L सेंटीमीटर, यानी हिंदी में लिखे तो क्या कर सकते हैं जो होता है ए अणु द्वारा तय की गई दूरी, तो क्या लिखा हम लोगों ने 2L सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई ना इसमें कितना टाइम लगा, तो हम लिखेंगे इस दूरी को तय करने में समय, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, ठीक है ना, किसी मॉलिक्यूल के द्वारा क्या हो रही टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है, ठीक है। तो हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कितनी करी, तो हम लिखेंगे 2L बाय u सेकेंड, ठीक है। अब एक टक्कर में लगने वाला समय भी कितना हो गया 2L बाय u हो गया, तो ए पर ए फेस पर कितना कोलिजन होगा लगातार कितनी बार टकराएगा, तो हम लिखेंगे ए पर, ठीक है, कितनी टक्कर होती, तो ए पर एक सेकेंड में होने वाली टक्करे क्या लिख सकते हैं हम, कोलिजन ऑन ए इन 1 सेकेंड कितनी हो जाएगी, तो इसको रिवर्स कर देंगे, तो यू बाय 2L, क्लियर है, यू बाय 2L। अब इसको हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है, यहां तक आप लोगों ने इसको नोट कर लो, ठीक, चलो इसके आगे चलते हैं लोग और आगे बात करते हैं इसमें हम लोग, इसको मैं स्किप करता हूं, हटा देता हूं, चलो अब इसके अंदर क्या है उसकी तरफ चल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास में क्यूब है और क्यूब में क्या है, जो फलक है वो जो फेस है वो टोटल कितनी है 2 फेस है और डायरेक्शन कितनी है 3 है, एक्स वाई और जेड, तो इनमें क्या होता है लगातार मॉलिक्यूल क्या कर रहा है कोलिजन कर रहा है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि ए दीवार पर प्रति सेकंड संवेग परिवर्तन, ठीक है, मोमेंटम चेंज इन ए फेस इन पर सेकंड, तो हम क्या लिख रहे हैं ए दीवार पर क्या बात हो रही है प्रति सेकंड संवेग परिवर्तन, प्रति सेकंड संवेग परिवर्तन इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे हम मोमेंटम चेंज इन ए फेस, ठीक है ना, ए फेस पर कितना होता है, ठीक है, ए फेस कितना होगा, तो आगे बात करते इक्वल टू, ये किसके इक्वल टू है उसके तरफ चलते हैं। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा था, एक टक्कर में संवेग परिवर्तन
मोमेंटम चेंज इन वन कोलिजन, ये किसके इक्वल है? देखो, एक टक्कर में संवेग परिवर्तन, यानी मोमेंटम चेंज की वन कोलिजन इनटू क्या हो जाएगा? एक अणु की प्रति सेकंड टक्करें, एक अणु की प्रति सेकंड टक्करें, क्या लिखेंगे? पर सेकंड कोलिजन इन वन एटम। आगे बात करें तो फलक ए पर टक्कर मारने वाला अणु इनटू एक और पॉइंट आ जाएगा, एक और क्या आएगा? फलक ए पर टक्कर मारने वाला अणु, यहां पर इनटू किया तो क्या लिख रहे हम लोग? फलक ए पर टक्कर मारने वाला अणु, एटम इन वन एटम इन कोलिजन इन ए फेस। अब देखो टोटल हमारे इसके अंदर तीन अलग अलग पॉइंट की बात हुई। क्या हुई? पहला था यहां पर मोमेंटम चेंज इन वन कोलिजन, तो वन कोलिजन में मोमेंटम क्या चेंज हुआ उसकी तरफ चलता हूं। तो वन जो मोमेंटम चेंज की बात की जा रही है, ठीक है, तो मोमेंटम चेंज इन इसकी बात हो रही, मोमेंटम चेंज इन वन कोलिजन, तो उसको हमने क्या लिखा था? इक्वल टू करके लिखा हमने टू एम यू, क्लियर? तो ये क्या लिखा हमने? एक टक्कर में संवेग परिवर्तन क्या होता है? टू एम यू। आगे चलिए, नेक्स्ट है यहां पर दिया हुआ एक अणु की प्रति सेकंड टक्करें पर सेकंड कोलिजन इन वन एटम, क्या हो गया ये? तो अभी हमने लिखा था यू बाय टू एम। तीसरी चीज क्या पूछी उस लोग उसने? तो तीसरी चीज इसके अंदर दे रही उसने, देखो तीसरी चीज क्या है, तीसरा जो क्वेश्चन इसके अंदर क्या दिया है, वो जो दिया हुआ है फलक ए पर टक्कर मारने वाले अणु कोलिजन एटम इन कोलिजन इन ए फेस। तो ए फेस हम लोगों ने क्या कहा था? टोटल डायरेक्शन कितने हैं? थ्री। नंबर ऑफ एटम क्या है? एन, एन बाय थ्री। अब करना कुछ नहीं, हमको इसको सॉल्व कर देना, हमारे पास तीन अलग अलग चीजें इनको सॉल्व कर देना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको बड़ा सिंपल से वे में लिख रहा हूं, क्या लिख रहा भैया? यहां एन बाय थ्री को हमने लिख दिया वन बाय थ्री, क्या बचा हुआ? यू है, इधर भी यू है, यहां पर क्या हो गया? टू एल हो गया, ठीक है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? वन बाय थ्री एल एन यू स्क्वायर, टू से टू कैंसिल हो गया, क्लियर है? क्या बचा है यहां पर? यहां पर बच गया ओनली एल। चले आगे, इसको सिंप्लीफाई करो तो मैं क्या लिख सकता हूं? एन एन यू स्क्वायर बाय बाय क्या हो जाएगा? थ्री एल। ये हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का वीडियो लेक्चर, क्लियर है? जो आगे बच्चे नहीं है मतलब इसमें, चलो आप इसको कंप्लीट कर लो, कल अपनी क्लास मान लेंगे, ठीक है? मेरे बात को लेकर चलो, तो हम बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ तक तो आ गए, अब आगे हम चलते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर न्यूटन के गति के नियम से, ठीक है? देखो अब क्या है न्यूटन के गति के नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ क्या है? एक फेस पर लगने वाला फोर्स, यानी मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? फोर्स F1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? एम एन यू स्क्वायर बाय थ्री एम लिखा जा सकता है ना? बिल्कुल लिखा जा सकता। अब हम जानते हैं कि प्रेशर यानी कि क्या होता है? दाब, यानी कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है?
वो होता है फोर्स बाय एरिया, बल यानी कि फोर्स बाय क्या हो जाएगा एरिया। ठीक, देखो अब इसके अंदर हम समझ रहे हैं कि क्या क्या आ सकता है। तो हमारे पास फोर्स क्या है, तो फोर्स हम लिखते हैं, तो हम लिखेंगे प्रेशर पी इक्वल टू फोर्स क्या है एम एन यू स्क्वायर बाय थ्री एल। एरिया क्या होता है, तो एरिया यहां पर किसी भी फेस यानी फलक का जो एरिया होता है वो होता है एल स्क्वायर सेंटीमीटर। किसी की जो फलक पड़ा था ना अभी अपने जो क्यूब देखा था, उस क्यूब का जो फेस होता है, ठीक है ना, वो जो क्यूब आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, जो आपको क्यूब दिखाई दे रहा है, जो क्यूब हम लोग देख रहे थे, उस क्यूब में क्या है, जो फेस बने हुए हैं उसका जो एरिया है वो एरिया क्या है, एल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो बात करता हूं यहां पर आगे चलते, तो हमने कहा इसको यहां पर क्या लिखते हैं, एल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग जानते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करके देखें तो P इक्वल यहां पर क्या दिया, एम एन यू स्क्वायर, ऐसा कैसे लिखते हैं। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, बाय 3L इंटू 1 बाय एल स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर दो, जब इसको सॉल्व कर दो तो यहां क्या है, एल स्क्वायर है। क्लियर, यहां पर क्या है, 3L है, तो हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू एम एन यू स्क्वायर बाय 3L क्यूब, ऐसा लिखा जा सकता है। अब हम लोग जानते हैं, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करूं तो P इक्वल टू 1 बाय 3 एम एन यू स्क्वायर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एल क्यूब। क्लियर। अब देखो एक चीज हम लोग जानते हैं, एल क्यूब के प्लेस पर वी लिखा जा सकता है। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एल क्यूब बताता है किसी क्यूब के वॉल्यूम को, किसी क्यूब के वॉल्यूम को बताता है, तो हम इस एल क्यूब के प्लेस पर क्या लिखते हैं, वी। तो हम लिख रहे हैं यहां पर P इक्वल टू 1 बाय 3 एम एन यू स्क्वायर बाय वी। क्लियर, वी को उधर की तरफ ले जाओ, जब उधर की तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बनकर आ जाती है। क्या इक्वेशन, उस इक्वेशन की तरफ मैं चल रहा हूं। देखो मेरे पास जो इक्वेशन आई है, इस वी को मैं इधर लिखा है, मैं क्या लिखूंगा, पी वी इक्वल टू 1 बाय 3 एम एन यू स्क्वायर, ये इक्वेशन बन जाता है। और इसी इक्वेशन को कहा जाता है, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अणुगतिकी समीकरण, काइनेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, अणुगतिकी समीकरण, यानी कि काइनेटिक इक्वेशन। ठीक, क्लियर। तो ये था हमारा अणुगति समीकरण की व्युत्पत्ति, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक इक्वेशन। आगे इसका जो अगला वीडियो आएगा, यानी कि फोर्थ पार्ट आएगा बीएससी फर्स्ट ईयर का, उसके अंदर आएगा गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर गैसीय नियमों की सैद्धांतिक व्याख्या। क्लियर है ना, इसको मैं थोड़ा सा, यानी हम लोगों ने सिद्धांतिक व्याख्या मतलब थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल, सॉरी थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी। ठीक है, अब काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी कौन से पढ़ते हैं, बायल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगाड्रो का नियम, उन नियम के बेसिस पर हम इस काइनेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। क्लियर है, धन्यवाद।